मोर साहब और सतेंद्र पहलवान मोखरा भाई कर्नल साहब जी से मैं निवेदन करूंगा एक बार चारों तरफ से एक राउंड लगाएं कर्नल साहब फिर राजेंद्र पहलवान के भी वनआईडी से मरवाएंगे और तैयारी हाँ मदक साहब कबड्डी के लुवाड़ी है कबड्डी पहलवान जी की कर्नल साहब अब एक राउंड लगवाएंगे चारों तरफ तरफ हेलो बोले चारों तरफ दर्शकों के सात दिन का भाई परिचय कराएंगे रोहित जी का हमारे कर्नल साहब हैं और अर्जुना वार्ड पहलवान राजेंद्र से भी आपको मिलाएंगे जो आपका अभिनंदन करने के लिए आप लोगों के बीच में आएंगे हमारे अर्जुना वार्ड पहलवान राजेंद्र जिला के ज्ञान बान चाह रहे और अच्छे ऑफिसर की भूमिका हमारे निभा रहे हैं तीन ऑफिसर कोचार अंतर्राष्ट्रीय कोच और हमारे पूर्व में सोनीपत के जिला के खेल अधिकारी रहे अंतर्राष्ट्रीय कोच को पहल हमारे रामपुर मूर्ति हमारे फोरमैन साहब इस इलाके के इंचार्ज भी हैं बिजली बोर्ड के अंदर घोड़ा के अंदर कथुरा में कार्य करते हैं हमारे जगदीश पहलवान जी इस इलाके के ज्ञान बान शान रही हैं और दूसरे हमारे राजा पहलवान भी अपने जमाने के अंतर्राष्ट्रीय सत्र के पहलवान इलाके के रहे हैं और चंडीगढ़ पुलिस के अंदर कार्य करते पहलवान जी सभी और साहिबानों के बहुत बहुत आभारी जिन्होंने अच्छी रेफरशिप की भूमिका अदा की है मैं इनको बधाई देता हूं हमारे जंगल कमेटी की तरफ से और लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए हमारे रोहित कर्नल साहब जिन्हों अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है कर्नल साहब जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए चारों तरफ राउंड लगाएंगे और फिर पहलवान साहब को भी नीचे उतारा जाएगा उनका भी एक बार राउंड चारों तरफ लगवाएंगे राजेंद्र पहलवान जी का भी दिलावर एक बार स्टेज के पास आए दिलावर आज अगले पहलवान रवि धोरवा सतेंद्र पहलवान गांव मोखरा दोनों भारत के सभी पहलवानों के बीच में करा मुकाबला फिर आ रहा आपकी इस पावन पवित्र धरा पे कौन जीतेगा कौन हारेगा किसके सिर पर बंधेगा जीत का सेरा वो आपकी इस पवित्र भूमि पर लगेगा बेरा दर्शकों की संख्या 13,677 तक पहुंच चुकी है मौसम बहुत बढ़िया गर्मी ज्यादा पड़ती थी आज का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक का ज्यादा नहीं है क्यों गर्मी कम है मौसम बढ़िया हाँ जी 35 है जी कोचा बता दे तो ज्यादा बता दिया मलिक साहब 35 में आ गया चलो जी धन्यवाद कोचा ये सब बाबा की असीम कृपया है बाबा ढाब वाला और बाबा गोसाई वाले की बहुत ही बड़ी अहम महिमा रहती है सभी श्रद्धालुओं के ऊपर ये बड़ी ताकतवर है दोनों हमारे बाबा गोसाई वाला और बाबा ठाब वाले पर एक बहुत बड़े विशाल रामी दंगल का आयोजन हर साल किया जाता है दोनों हमारे धार्मिक और पवित्र स्थान है पहलवान कुश्ती लड़े कुश्ती आसमान के लड़े पहलवान दर्शक चाहते हैं आपकी कुश्ती का आनंद उठाना चाहते हैं और कुश्ती को हर पार देखना चाहते हैं कुश्ती हमारा बड़ा लोकप्रिय खेल था परंतु इसे पढ़ करके कबड्डी ज्यादा हो गया हम मानता हूं इस बात को क्योंकि बराबर कुश्ती बराबर के पहलवान होने के कारण कुश्ती कई बार बराबर रह जाती है हमारे तरफ से तो कोई लाइन में मजा नहीं आया कबड्डी तोड़ हो जाए थोड़ा बढ़िया कैच मारी बढ़िया रेडर गए फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं करो का
गुसाई वाले कमेटी को और बाबा ढाब वाले कमेटी को, जिन्होंने पुरानी परंपरा को फिर जीवन दान दिया, जीवित रखा। इस इलाके से कुश्तियां खत्म हो चुकी। अच्छे चरवान फौज हमारे बीच में तैयार हो रही है। विक्की पहलवान है, एक बार स्टेज के पास आए। विक्की पहलवान, हाँ हाँ हाँ, कुश्ती आर पार के लड़े पहलवान साहब, बराबर कुश्ती को कोई नाम नहीं, वो हमारी मर्जी की बात, सब चाहे ना जा। विक्की पहलवान बरोदा स्टेज के पास आए। उस दिन थारा गला गए हैं, हर दिन थारा गला गएगा पहलवान जी। अगर कुश्ती से संतुष्टि नहीं होगी तो कमेटी कोई नाम नहीं देगी। हाँ, पहलवानों से प्रार्थना भाई, कहीं में मेरे पब्लिक को मजा नहीं आ रहा है, पब्लिक ने मजा चाहिए। हाँ, कहीं में कितना आवाज आ जाए मेरे भी, मलिक साहब कई कुश्ती मिलकर लड़ जाए मेरे पसंद आ गए। अच्छी बात नहीं, पहलवानों को इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। कुश्ती आर पार की लड़े पहलवानों से हमारी कोई मिलावट कुश्ती नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र ने कहते कुश्ती रामकरण बैठे कहते मिलकर कुश्ती नजर आर पार, इधर अंटी मारता उधर अंटी मारता, कलाबाजी कुआ दिया करते हमारे हाल में। युवराज चाटा बढ़िया कुश्ती लड़े, राम भी देखे रहे पहलवान था, मानस देखा था 440 वोल्टेज का होता था, 440 वोल्टेज का करंट ला दिता, और माड़ा उपर आता 11,000 का ठोकर था सीधा। हमारे कर्नल रोहित जी जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, हाँ जी 7 मिनट का समय समाप्त, 3 मिनट बाकी भाई, 15 है भाई, मैंने मेरा कौन था, मैं दूसरा जामा बढ़ गया था, 15 मिनट का 7 मिनट आधा टाइम हो गया जी, आधा समय बाकी। पंद्रह 10 दिया था इनसे, कि 15 दे दिया। हाँ जी साधु भाई सागरा जी, आइए पहलवान से भाई याद करें, सागरा जी से राजा पहलवान से संपर्क करें। बहुत बहुत आभारी हम कर्नल साहब के, जिन्होंने पूरे दंगल के अंदर चारों तरफ से राउंड लगाया और जनता का अभिनंदन स्वीकार किया। हम रोहित कर्नल जी के बहुत बहुत आभारी हैं भाई, धन्यवाद धन्यवाद रोहित जी, भगवान आपकी सभी कामनाएं पूरी करे, बाबा का आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ मिलेगा आने वाले समय में, जनता का आशीर्वाद हमेशा सर्वोपरि होता है। कर्नल साहब जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया और बाबा की मेहरबानी होगी, सबका बेड़ा पार। भाई पहलवानों से मेरी प्रार्थना है, कैंटीन और कुश्ती में जनता को आनंद नहीं आ रहा, कुश्तियों का बड़ी कुश्तियों का कई बार मलेर साहब। हाँ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे को इस गांव ने इस इलाके ने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत और मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए सबको नमन करना चाहता हूँ। आपके जो अखाड़े में यहाँ पर इतना बढ़िया तरीके से जो दंगल हुआ है और इतने अच्छी तरह से कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारे जवान लड़कों में बहुत ज्यादा उत्साह है, और इस जमीन का कर्जदार हूं मैं, क्योंकि मेरे जन्म भी मेरा यहीं का और कर्म भी मेरा यहीं का है, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे वापस आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल साहब, एक मत दो एक मत, भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। मतलब बता रहा था ये इलाका ही पहलवान कर्नल साहब, पलड़ी में बढ़िया मजा आ रहा है। हेलो भाई, शांति का डांडे पहलवान, आज समय कोई बात नहीं, समय सीमा भी बाकी, अभी अभी बड़ी कुश्ती और बाकी है, दूसरे और तीसरे नंबर की छुट्टी बाकी है हमारे बीच, कोई बात नहीं आ जाएगी, सारा काम ठीक हो जाए, चिंता ना माने। ये रमादी शुरू है, शांति का दान दे, कोई चिंता ना माने, बाबा का पूरा आशीर्वाद दंगल कमेटी को, कोई चिंता वाली बात नहीं। 3 मिनट का
कुश्तियों का तोड़ होगा, बड़ी कुश्ती का बिल्कुल तोड़ होगा, उम्मीद रखते आशा उम्मीद रख। कर से तीन मिनट कटा दे, तीन मिनट कट कर दे, तीन मिनट जी, दो मिनट से इस बकाया जी कह रही भाई समय। हाँ देखिए पहलवान जी ध्यान रखे, कुश्ती आराम से लड़े, प्यार से लड़े, भाईचारा बढ़ा करके लड़े, कोई ऐसा गलत काम नहीं करे कि पहलवान को किसी अंग पर चोट लग जाए। भाईचारा पहले, कुश्ती बाद में। नवीन पहलवान यहीं के हैं? हाँ नवीन यहीं के पहले वैसे हमारे गांव से जा रहे हैं। अच्छा 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 बड़ौदा जनाब, पूरे इसमें देख लेना, पूरी जिंदगी रहेगा बड़ौदा। कुछ कैर पीटे इधर दी है जी, कैर पीटे आप देख रहे हैं दूर साहब, यार 44 देशों में जाएगी तो सर उसमें जाएगी, देशों के अंदर पूरी आपके परपोते तक देख लेंगे, कोई नाम डाल दिए स्वागत वाले भेज दिए सारे फोटो वोटो सब यार सिस्टम आपको बता दें। और एक किताब है मेरी देखो भारतीय कुश्ती की, मुकाबला दोनों पहलवानों के बीच में ताकतवर मुकाबला करवा दे, अगले पहलवान आए भाग करवा दे, और दोनों कुश्ती पर लिखा करके भाई और स्वतंत्र पहलवान मोखरा आपके बीच महाराज, ताकतवर जानदार और शानदार मुकाबला आपकी स्थान पवित्र धरा पे, दोनों ही पहलवान भारत केसरी का खिताब जीत चुके, अंतरराष्ट्रीय सत्र के पहलवान है। ये जो दूसरे नंबर की कुश्ती थी हमने दो कुश्तियां रखी बराबर के पहलवान थे, लास्ट एंड फाइनल मैच हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच साहब की तरफ से, जो पूर्व में सोनीपत के हमारे जिला खेल अधिकारी की तरफ से घोषणा, पहलवान समय सीमा का ध्यान रखते लास्ट मैन कुश्ती की कैसे धाम अगले पहलवान। देखिए भाई हमारे दर्शक साथी डरे हुए के जब पारे से ना आ जा, बाबा के सीन कर पे भाई, पूरा आशीर्वाद हमारी दंगल कमेटी के ऊपर, दर्शकों के ऊपर है। आइए अगले पहलवान नवीन मोर भारत केसरी गांव लरसोली, सचंदर पहलवान मोखरा भारत केसरी